तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में। आपने कई बार इस तरीके के इक्वेशंस को देखा होगा, जैसे मैं आपको लिख करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, H2O। अगर आप साइंस वाले हैं तो आपको पता है कि पानी का जो, या जो हमारा वाटर होता है उसका केमिकल नाम H2O होता है, लेकिन जो टू होता है वो इस तरीके से नहीं लिखा होता है, बल्कि इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की ओर लिखा होता है। वैसे ही अगर आप लिखते हैं टेंथ, देखिए मैंने लिखा टेंथ, तो जो TH है वो थोड़ा सा ऊपर की साइड होता है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जो टू लिखा हुआ और जो TH लिखा हुआ है, इसी ऑप्शन को कहते हैं, ये आपका टू जो है वो है सब स्क्रिप्ट और ये है सुपर स्क्रिप्ट। जो नीचे जाता है उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, जो ऊपर जाता है उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और जो बीच में रहता है वो है आपका नॉर्मल स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आपने समझ गया कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। तो तीन टाइप की स्क्रिप्ट है आपके पास, नॉर्मल स्क्रिप्ट जो हम यहाँ पर चला रहे होते हैं, और सब स्क्रिप्ट जो है वो थोड़ा सा नीचे की ओर होता है, सुपर स्क्रिप्ट थोड़ा सा ऊपर की ओर होता है। तो तीन तरीके की स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट चेंज करके हम किसी चीज को फोर्स कर सकते हैं। जैसे टेंथ यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लिख सकते हैं ट्वेल्थ, इस तरीके से हम कोई भी चीज लिख सकते हैं, या फिर हम डिग्री का साइन बनाते हैं, जैसे इतना डिग्री सेंटीग्रेड, 105 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, यहाँ पर छोटा सा ऊपर में गोला लगता है, उसको भी आप यहाँ पर सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट के जरिए बना सकते हैं। ये देखिए ये वाला डिग्री का सिंबल, तो ये जो डिग्री का सिंबल है ये आपका सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है, या ऊपर की ओर जो है वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। तो अभी तक हमने ये जाना कि सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और नॉर्मल स्क्रिप्ट क्या होती है। क्लियर है? अलग अलग किसी जैसे साइंस वगैरह की चीजों में या किसी चीज को फोर्स करके दिखाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन आपको होम टैब के अंदर मिलेगा। होम टैग में जब आप जाएंगे तो होम के जो रिबन है उसके अंदर फॉन्ट नाम का एक आपको एरिया मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉन्ट, और ये पूरा ऐसा यहाँ पर एक ब्रैकेट बना हुआ है। तो फॉन्ट वाले एरिया में, यानी होम के अंदर, फॉन्ट के अंदर, फॉन्ट जो मेन्यू है इसके अंदर आपको मिलेगा, ये दिख रहा है ऑप्शन आपको सब स्क्रिप्ट, और दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सब स्क्रिप्ट का जो यहाँ पर आइकन है, देखिए कैसे दिख रहा है, एक्स और नीचे में टू लिखा हुआ है। सुपर स्क्रिप्ट का आइकन कैसे दिख रहा है, एक्स और ऊपर में टू लिखा हुआ है, और जैसे ही आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर लाते हैं तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट लिखा हुआ है। देखिए सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट है Ctrl+=2, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है। चार ऑप्शन दे देगा, Ctrl+=2, Ctrl-=2, Ctrl++, इस तरीके से आपको करेक्ट आंसर लिखने पे टिक करना होता है। ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है, क्योंकि इसका शॉर्टकट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए Ctrl+Shift++, थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, तो कंफ्यूज होते हैं लोग कि Ctrl+Shift+ है कि Ctrl+Shift++ है, Ctrl+Shift+ है, एक प्लस दे देगा, दो प्लस दे देगा, तीन प्लस देगा, कंफ्यूजन पैदा होता है। तो ये सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, F11 शॉर्टकट की जो है उसका क्या काम है। तो F11 शॉर्टकट की हमेशा याद आप रखेंगे कि F11 शॉर्टकट की से हम सेव एस करते हैं, जैसे हमें यहाँ पर सेव करना होता है तो F11 शॉर्टकट की हम यहाँ पर प्रेस करते हैं, F11 से सेव होता है। क्लियर? ये दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि शॉर्टकट आपको याद रहे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2 सेकंड के लिए वेट कर रहा हूँ, और कोई भी एक अगर ले लेता है स्क्रीनशॉट तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देगा, जो लोग नहीं ले पाए हैं उनको भी मिल जाएगा ये। कोई भी एक ले लो और उसको शेयर कर देना। दूसरा स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप लोग सब सुपर स्क्रिप्ट का।
ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अब एग्जाम में अगर आपको लिखना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, वैसे तो नोट्स मिलेंगे। सबसे पहले सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है? देखिए, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट होता है थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ सब स्क्रिप्ट, थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ सुपर स्क्रिप्ट। ये हम कॉपी में भी लिखते हैं, लेकिन एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या दिया हुआ है? कंट्रोल प्लस इक्वल टू और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। अब इनके स्टेप्स लिखना है, तो इसका स्टेप्स बहुत आसान है। आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, पहले उसको आप नॉर्मल स्क्रिप्ट में लिख लीजिए। मैंने यहाँ पर H2O लिख लिया। देखिए इसको करते कैसे हैं, सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट को अगर आपको करना है तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, सारे के सारे टेक्स्ट को नॉर्मल स्क्रिप्ट में लिख लीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको जिसको सुपर या सब करना है उसको सेलेक्ट करिए। जैसे मुझे टू, मैंने टू को सेलेक्ट किया और मुझे इसको सब स्क्रिप्ट करना है, तो मैं यहाँ पर सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये सब स्क्रिप्ट की तरह नीचे चला जाएगा। क्लियर है? वैसे ही अगर मुझे सुपर स्क्रिप्ट करना है तो मैं उन चीजों को लिख लेता हूँ नॉर्मल स्क्रिप्ट में, और इसको सेलेक्ट करेंगे हम और इस पे क्लिक करेंगे सुपर स्क्रिप्ट में, ऊपर हो जाता है वो। क्लियर है? तीसरी एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि एमएस वर्ड में एक ऑटो करेक्ट ऑप्शन होता है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन का मतलब होता है जैसे आप कोई चीज गलत लिखते हैं या छोटी मोटी गलतियां जो लगभग सभी लोग करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए स्पेलिंग जो है THE में टी जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, टी जो है वो कैपिटल होना चाहिए रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर जानबूझ के स्मॉल लिखा हूं। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, देखिए वो ऑटोमेटिक क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। इसको ऑटो करेक्ट ऑप्शन बोलते हैं। क्लियर है? एमएस वर्ड में एक ऑटो करेक्ट ऑप्शन है। मान लीजिए आप एमएस वर्ड के इंटरव्यू में गए, आपसे पूछेगा व्हाट इज ऑटो करेक्ट ऑप्शन या व्हाट इज ऑटो करेक्ट, तो आप बता सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर TEH लिख दिया। असल में जल्दी जल्दी टाइप करते समय लोग इस तरीके से गलत लिख देते हैं, तो जैसे ही मैं इसको स्पेस दूंगा या एंटर करूंगा वो ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है। इसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी एमएस वर्ड का एक फीचर है, जो कॉमन गलतियां लोग बार बार करते हैं उसको ऑटोमेटिक करेक्ट करता है। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पर लगा होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10th, तो जनरली 10th लिखने के बाद जैसे मैं स्पेस मारूंगा वो ऑटोमेटिक उसको सुपर स्क्रिप्ट कर देता है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम सब स्क्रिप्ट और कैसे सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, और सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए कई जगहों पर ऑटो करेक्ट भी काम करता है। हर जगह पर तो नहीं करेगा, कई जगहों पर करेगा। तो कुल मिला के हमने तीन चीजों को देखा, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और ऑटो करेक्ट, और इनका शॉर्टकट भी देखा, और करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। पहले आप नॉर्मल स्क्रिप्ट में सारी चीजों को लिख लीजिए, फिर उसको सेलेक्ट करिए जिसको आपको सुपर या सब करना है, और यहाँ पर उसको सब या सुपर कर दीजिए। यदि आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट हटाना है, यानी कि वापस नॉर्मल स्क्रिप्ट पे लाना है, तो उसका भी सेम वही प्रोसीजर है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा, ये दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल स्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट लगाना और हटाना भी आना चाहिए। मान लीजिए आपने कभी लगा दिया है और फ्यूचर में उसकी जरूरत नहीं है, इसको नॉर्मल स्क्रिप्ट चाहिए आपको, तो आपको इसको फिर से सेलेक्ट करिए और दोबारा इस पर क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल स्क्रिप्ट पे आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। इनके शॉर्टकट्स हमने देखे, इनके स्टेप्स भी देखे। क्लियर है? अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप लोगों से वो क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एमएस वर्ड का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में इस इक्वेशन को आपको लिखना है, तो मुझे लगता है कि इस इक्वेशन को लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करेंगे, इस इक्वेशन को लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो इतना बड़ा सा इक्वेशन है, इसको आप काफी आसानी से लिख सकते हैं। आप पहले इसको पूरा नॉर्मल स्क्रिप्ट में लिखिए, फिर इसको पूरे को सेलेक्ट करते जाइए और सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप कोई एमएस वर्ड में आपको ये क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल एग्जाम में, ये लिखिए, तो आप एमएस वर्ड के सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो अगर हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर काफी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं।
अगर हमें ये इक्वेशन लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम टू सेम मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, हमको ये लिखना होगा, ये लिखना है तो हमको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हम नॉर्मल स्क्रिप्ट में सब चीज लिख लेते हैं, 4H3PO, सॉरी फोर एच थ्री पी ओ थ्री इक्वल टू 3H3PO4 प्लस PH3, पूरा नॉर्मल स्क्रिप्ट में लिख लीजिए। उसके बाद आप उसको सेलेक्ट करिए जिसको आपको सब स्क्रिप्ट करना है। देखिए मैं दो दो को एक साथ सेलेक्ट कर पा रहा हूँ कंट्रोल दबा करके, कीबोर्ड में आप कंट्रोल दबाएंगे तो दो तीन चीज को एक साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतने को सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पर हम सब स्क्रिप्ट कर देंगे। देखिए आपका ये जो आउटपुट है वो आपका आ गया। तो ये क्वेश्चन था, अगर आप एमएस वर्ड में ऐसा टाइप कर पाते हैं क्या, जैसे मान लीजिए आप कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर के जॉब में जाते हैं, वहां पर आपको प्रैक्टिकल, आपने थ्योरी पेपर निकाल लिया तो वहां पर एक प्रैक्टिकल का टेस्ट भी होता है, तो वहां पर इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा ऐसा टाइप करके दिखाइए, तो आप ऐसा टाइप कर पाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करके बनाया जाता है। दूसरी एक और चीज है, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि एमएस वर्ड में एक फीचर और होता है जिसको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग बोलते हैं। देखिए एमएस वर्ड जो है आपकी कंप्यूटर में, अगर आप स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो वो रेड कलर की अंडरलाइन जैसा शो करता है, और रेड कलर की अंडरलाइन शो करने के बाद जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F7 शॉर्टकट है, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो देखो आप देखिए आपको सजेस्ट करेगा कि इन ये जो स्पेलिंग गलत है इसकी जगह पर ये होना चाहिए, इनमें से कुछ एक होना चाहिए। और अगर सबसे पहला वाला जो होता है वो स्ट्रॉन्ग सजेशन होता है, सबसे पहला वाला जो है सबसे ज्यादा मैच खाता हुआ है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आपको करेक्ट कर देगा। स्पेलिंग गलत होने पर रेड कलर की अंडरलाइन, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ही आर ए बॉय, अगर आप ग्रामर गलत करेंगे तो ग्रीन कलर की अंडरलाइन आएगी। यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आर की जगह इज होना चाहिए, ठीक है, तो ग्रीन कलर की अंडरलाइन शो करती है कि आपने ग्रामर मिस्टेक किया है, रेड कलर की अंडरलाइन शो करती है कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, और एक ब्लू कलर की अंडरलाइन है जो फॉर्मेटिंग या पंक्चुएशन मिस्टेक को भी दिखाता है जो कि एडवांस वर्जन में उपलब्ध है। तो अब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ेंगे में जाएंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू कलर की अंडरलाइन किस लिए होती है, तो वो पंक्चुएशन मिस्टेक के लिए होती है, क्योंकि रेड और ग्रीन कलर की अंडरलाइन जो है वो लगभग मैक्सिमम लोग जानते हैं। ब्लू कलर की अंडरलाइन को नया नया अभी इंट्रोड्यूस किया गया है और वो पंक्चुएशन मिस्टेक के लिए होता है, तो उसमें ऑप्शन आता है कि स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर ग्रामेटिकल मिस्टेक, पंक्चुएशन मिस्टेक, नन ऑफ दिस, तो वहां पर लोग गलती कर देते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो इसको सजेस्ट कर रहा है स्ट्रॉन्गली सजेशन, यहाँ पर ये दे रहा है। दूसरा यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दे रहा है इज, इसके जगह पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। क्लियर है? इसको आप कीबोर्ड में F7 बटन दबाएंगे, देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग ये ऑप्शन जो है टाइपराइटर में नहीं होता, टाइपराइटर में आप अगर गलत टाइप कर दोगे तो वो आपको चेक करके बताएगा नहीं कि यहाँ यहाँ पर गलती है, इसमें बताता है स्पेलिंग और ग्रामर खुद ब खुद चेक करता है एमएस वर्ड, इसीलिए इसको वर्ड प्रोसेसर भी बोला जाता है, जो वर्ड को समझता है, आपके लिखे हुए वर्ड को समझेगा, ऑटोमेटिक करेक्ट कर देगा, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करेगा, ग्रामर चेक करेगा, पंक्चुएशन चेक करेगा, सारी चीजों को चेक करता है वो। क्लियर? और यहाँ पर आपको सजेस्ट भी करता है, जब आप इसको चेंज पे क्लिक करेंगे चेंज करके करेक्ट कर देगा। देखिए यहाँ पर इज आ रहा है, इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पर F7 कर रहा हूँ, और ये चेंज करने पर आपका देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है वो चेकिंग कंप्लीट हो गई है और आपकी जो गलती थी उसने सुधार दिया है। तो इस तरीके से हमको कई सारी स्पेलिंग को याद रखने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा आपके व्हाट्सएप में भी होता है, व्हाट्सएप में भी ऑटो करेक्ट ऑप्शन होता है या ऑटो सजेस्ट ऑप्शन होता है, जिसमें आप कोई वर्ड टाइप कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड वर्ड की सजेशन आपको दे देता है। क्लियर है? तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का ऑप्शन
भी है, और ये भी एक फीचर है एमएस वर्ड का, F7 उसका शॉर्टकट है। कंप्यूटर के चेक करने का तरीका क्या है, देखिए दुर्ग लिखने पर वो गलत बता रहा है जबकि स्पेलिंग सही लिखी हुई है। कंप्यूटर के पास एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में अगर ये वर्ड नहीं मिल रहा है तो वो गलत स्पेलिंग बता देता है। तो मैं चाहता हूं कि दुर्ग में वो गलती ना बताए, तो मैं दुर्ग के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहां लिखूंगा ऐड टू डिक्शनरी। तो ये कंप्यूटर की, मेरे कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं दुर्ग लिखूंगा तो वो गलत नहीं बताएगा क्योंकि तो उसकी डिक्शनरी में वो ऐड हो चुका है। दूसरी चीज, मैं दुर्ग की स्पेलिंग गलत लिखूंगा, सॉरी ड्रग अपने आप में स्पेलिंग है। देखिए मैंने दुर्ग की स्पेलिंग गलत लिख दी तो जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो सजेशन में दुर्ग दिखाएगा क्योंकि वो उसकी डिक्शनरी में इससे मिलते जुलते जो भी वर्ड है वो दिखा रहा है। तो कुल मिला के ये एक डिक्शनरी का खेल होता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। कंप्यूटर के पास या एमएस वर्ड के पास एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी से ये मैच कराता है, ये वर्ड अगर उसको नहीं मिल रहा है तो वो गलत बताता है और फिर सजेशन में उससे मिलता जुलता वर्ड बताता है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर ये भी देखा कि कैसे चेक करता है कंप्यूटर स्पेलिंग और ग्रामर को।